जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेडसमैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के ये क्वेश्चन है, इसलिए बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 31वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 30 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर आप लोग बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन यहां पर हम लोग करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर ये सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। छह दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर छह दोस्तों की औसत लंबाई बताइए। तो जब कभी आपके पास औसत दिया हो और संख्या दी गई है छह दोस्त हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पर योग निकाल लो, इन छह लोगों की आयु का योग निकालो। तो योग का फॉर्मूला जो होता है, औसत गुणा संख्या होता है। यदि आप औसत का गुणा संख्या से करोगे तो आपके पास योग आ जाएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग लाने के लिए आपको औसत दिया है 167 गुणा संख्या, कितने दोस्त हैं, छह दोस्त हैं। योग आ जाएगा, छह का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 7 = 42, कैरी 4 होगा, 6 × 36 और 4 हो जाएगा 40, कैरी आ जाएगा 4, 6 × 6 और 4 हो जाएगा 10, यानी 1002 यहाँ पर योग आ जाएगा छह दोस्त की आयु का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, तो यहाँ पर क्या करो, जो छह दोस्तों की आयु का योग था इसमें से 162 यदि हम माइनस करेंगे तो एक लड़के की एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर लड़के एक अगर लड़का चला गया तो लड़के कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और इनका योग कितना बच जाएगा, तो आप घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 840 योग बचेगा। क्वेश्चन ने पूछा कि अब नया औसत बताओ, तो आप समझते होंगे कि औसत का जो फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग और उनमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या करो, अब औसत निकालो, नया योग हमारे पास निकल चुका है 840 और ये 5 इसकी संख्या है, 5 लोगों की ये संख्या है, तो 5 का भाग लगाओ, 5 से कट करो, 5 × 5 = 3 बचा और 34 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 4 × 5 = 48, यानी कि इनका जो औसत हो जाएगा 168 सेंटीमीटर नया औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, यदि पुस्तक की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है, इसकी मूल लागत कितनी थी, तो कहने का तात्पर्य इसका यह है कि पुस्तक की लागत पर 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बताया। तो लागत याद रखना, जो भी कोई वस्तु होती है उसकी लागत अपने आप में 100% होती है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 100% पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो लागत के बाद कितना परसेंट उसका वैल्यू बच गया, 80, और इस क्वेश्चन में हमें 80% का मान बताया 64 रुपए। यहां से क्या करो, 1% का वैल्यू लेके आओ, तो यहां पर जो 64 आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप 80 का भाग लगाओगे, 1% का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा मूल लागत बताओ, यहां पर आपको क्या करना है, लागत लेके आना है, तो इसके लिए क्या करो, जो 1% का मान आया 64/80, इसमें आप डायरेक्ट 100 का गुणा करो, इससे 100% का वैल्यू आ जाएगा और यही वस्तु की मूल लागत थी। 0 से ये 0 कट करो, 8 से कट करेंगे, 8 × 8 = 64 होता है 64, और उसके बाद ये 0 आ जाएगा, तो जो मूल लागत बनेगी 80 रुपए बनेगी, जो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यदि आपको औसत निकालना है तो उन 10 संख्याओं का योग जो रहेगा उनमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगाना है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करोगे, पहले आपको वो 10 संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं, उनका योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे, वो भी प्रथम,
अभाज्य संख्याओं की शुरुआत दो से होती है, ठीक है ना। दो पहली अभाज्य, उसके बाद तीन आएगी, उसके बाद पांच आएगा, उसके बाद सात आएगा, और सात के बाद अगर बात करें तो आएगा ग्यारह, ग्यारह के बाद आएगा तेरह, और तेरह के बाद सत्रह आएगी, और सत्रह के बाद में यहाँ पर उन्नीस, और उन्नीस के बाद में अगली अभाज्य संख्या होती है तेईस। तो ये टोटल दस अभाज्य संख्याओं को लिखा, यानी अभी तक नौ हुई हैं, और तेईस के बाद की अभाज्य संख्या भी लिखेंगे उनतीस। प्राइम नंबर लिखना है, वैसी सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये तो हमें इनका योग करा, अब ये कितनी संख्याएं, दस है, दस का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये योग करोगे तो आपके पास योग जो बनेगा ये बनेगा 129। इनका योग करोगे यानी इनको जोड़ोगे तो 129 बनेगा, और उसमें 10 का भाग लगाओगे तो औसत आ जाएगा। अब बटे में एक जीरो है तो इकाई तरफ से एक अंकों के पहले दशमलव लगा दो, तो यहाँ 12.9 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 16,000 रुपए का दो वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मूलधन बताया, और मूलधन बताया है क्वेश्चन में 16,000, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दर भी बताया, मतलब आर का वैल्यू बताया, रेट 10%, और टाइम है कितना, 2 ईयर, दो वर्ष का, सीआई लेके आना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लेके आना है। तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके चलूंगा। क्या करो, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पहले वर्ष का सीआई निकालो, पहले वर्ष का निकालने के लिए क्या करो, मूलधन जो है अपना 16,000, इसका 10% निकालोगे तो आपके पास 16,000 का 10% पहले वर्ष का सीआई आ जाएगा डायरेक्ट, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1600 रुपया। अब क्या करो, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए, दूसरे वर्ष का यदि लाना है तो दूसरे साल में जो पहले साल आया 1600, ये तो रहेगा, प्लस क्या करो, 1600 पे फिर से 10% ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो आप क्या करो, एक बार 1600 का 10% निकालो, तो यहाँ पर 160 आएगा, तो 1600 तो होगा ही, और 160 और उस पर ब्याज लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1760 रुपया दूसरे साल का सीआई आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों साल का सीआई बताओ, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ लो, कुल चक्रवृद्धि ब्याज इनको जोड़ लोगे, यानी किसे जोड़ लोगे आप, 1600 प्लस यहाँ पर 1760 को जोड़ लो, तो यहाँ 000 हो जाएगा, और 6 और 0 भी 6 हो जाएगा, 7 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, कैरी 1, और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 हासिल का 3, यानी कि टोटल दो सालों का सीआई जो बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपया बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि अपनी तीन गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। साधारण ब्याज का केस है, गुना पर आधारित यहाँ पर ये वाला टाइप है। तो जब कभी आपको समय लाना हो, इस साधारण ब्याज के केस में गुना पर आधारित क्वेश्चन में समय लाना है, तो आपको सिंपली एक कंसेप्ट याद रखना होगा, गुना माइनस वन, और बटे में आ जाएगी आपकी दर, और गुणा में करना 100, तो आपके पास समय निकल जाएगा। इसी गुणा की केस में यदि आपको दर लाना हो, रेट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, जो गुणा दिया होता उसमें से एक घटाओ। अब दर लाना है तो बटे में आ जाएगा समय, और गुणा में कितना करो 100, तो आपके पास दर आ जाएगी, लेकिन हमें समय लाना है। तो गुणा के केस में साधारण ब्याज में समय लाना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे समय बराबर क्या करना पड़ेगा, गुना माइनस वन। क्वेश्चन में बोला तीन गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तीन गुना बात कर रहा है, तो तीन माइनस वन करेंगे, और बटे में आ जाएगा दर, दर आपको क्वेश्चन में दी गई है 10%, और गुना में 100 करो, तो यहाँ पर तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, और 2/10, और गुणा में हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 से होगा, 2 10 20%, तो 20% नहीं आएगा, समय ला रहे हैं अपन तो वर्ष में आएगा, 20 वर्ष में ये राशि याद रखना तीन गुना हो जाएगी, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60% का 15% प्लस 120% का 35% बराबर x का 30% हो तो x का मान क्या होगा। तो सिंपली इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 60 का 15% मतलब 15/100 हो जाएगा, 15% निकालेंगे 60 का, प्लस फिर लिखा है 120 का मतलब गुणा होता है,
और 35 पर से निकालो मतलब 35/100, फिर बराबर का साइन लगाए लगाओ x का 30% का मतलब गुणा और 30% निकालेंगे x का 30/100। अब यहां से हमें x का वैल्यू लाना, तो पहले इधर वाला सोल्व करो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 2 से हम लोग 6 को काटेंगे 3 बार में, 3 × 3 करने पर 9 आएगा, प्लस यहां पर फिर से जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 5 × 7 = 35, और 2 से काटेंगे 12 को 6 बार कटेगा और 6 × 7 हो जाएगा 42, और बराबर की इधर क्या है हमारे पास, x गुणा 30/100 है, चाहो तो ये जीरो से जीरो काट लो। अब यहाँ 42 में 9 को जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 51। अब ये भाग का 10 इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, और गुणा का 3 इधर आएगा तो भाग में, इस प्रकार हमारे पास x का वैल्यू इधर बच जाएगा। 3 से काटो 51 को, 3 × 3 = 2 बचा, 3 × 7 = 21, 17 × 10 करेंगे आ जाएगा 170। तो प्यारे साथियों x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 170 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी को 45 घंटों में भर सकता है, नल बी उसे 36 घंटों में भर सकता है, तदनुसार यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है ए, ए वाला नल टंकी को 45 घंटे में भर सकता है, एक और नल का नाम दिया है बी, और बी वाला नल उसे 36 घंटे में भर सकता है। अब क्या करो आप, इन दोनों का लघुत्तम लो, यानी जो एलसीएम होगा इन दोनों का वो टोटल वर्क होगा हमारे पास। तो 45 और 36 का यदि आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 180। अब क्या करो आप, एक एक दिन का काम निकाल लो, या फिर कहें तो कार्य क्षमता, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कार्य क्षमता भी कह सकते हैं इनकी, और एक दिन का काम भी कह सकते हैं। 45 का भाग 180 में लगाओगे आप तो आपका भाग जाएगा 4 बार, मतलब यहाँ ए वाला नल एक घंटे में 4 यूनिट काम करता है, और नल भी 36 घंटे में 180 भरता है, 180 में 36 का भाग लगाओ तो यहाँ 5 बार भाग जाएगा, मतलब नल भी 5 यूनिट भरेगा एक घंटे में। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों मिलकर उस पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो आप क्या करो 4 + 5 दोनों को जोड़ो, यानी दोनों मिलकर एक घंटे में 9 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो जो 180 आपको दिखाई दे रहा है इसमें 9 का भाग लगाओ, 9 से कट करेंगे, 9 × 2 = 18 और ये 0 की जगह 0, यानी कि इस प्रकार 20 घंटे में दोनों नल इस पूरी टंकी को भर देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तदनुसार तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका कर्ण हम लोगों को दिया गया 13 सेंटीमीटर। अब एक भुजा कोई सी भी मान लो, या तो लंब दिया होगा या आधार दिया, कोई भी मान लो 5 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता दूं, एक और भुजा लाने के लिए यदि आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर आप वो ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, 5, 12, 13, आपने सुना होगा 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट का नाम होता है, जिसमें एक भुजा यदि 13 है तो दूसरी भुजा एक और 5 होगी, तो एक और बची हुई भुजा कितनी हो जाएगी 12। तो वैसे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 12। यदि आपको कुछ नहीं आता तो आपको आता होगा पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से भी आप निकालो, कर्ण अपने को क्वेश्चन में दिया है 13, तो आप क्या करो 13 का स्क्वायर और बराबर लंब का वर्ग, लंब आप चाहो तो 5 को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर x मान लो x का स्क्वायर। अब क्या करो 13 का वर्ग 169 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, 25 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169 में से 25, और बराबर में रह जाएगा x का वर्ग। तो यहाँ पर हमें चाहिए x का वैल्यू, 169 में से 25 जाएगा 144 बचेगा, इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, इस प्रकार 144 का वर्गमूल हटेगा तो 12 का ये वर्ग है, इसलिए x का मान 12 आ जाएगा, मतलब उस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा 12 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा पहले ही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, एक फर्श की टाइल का आकार आयताकार है, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है,
तदनुसार 24 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए से आकार की कितनी टाइलें लगेंगी। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना पड़ रहा करना है, यहाँ पर टाइलों की संख्या लाना है। तो यदि आपको टाइलों की संख्या लाना है तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जरूर समझते होंगे, टाइलों की संख्या लाना है तो आप क्या करो, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल, आप उसमें क्या करो, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। क्या करो, टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइलों की संख्या आपके पास मिल जाएगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बताया हूं कि क्षेत्रफल एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो अपने को क्या बताया, उसका क्षेत्रफल तो बताया, मतलब कितना बताया, 24 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसमें दो बार 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाएगा। एक टाइल का क्षेत्रफल उसका भाग लगाना है, एक टाइल की लंबाई अपने को दी गई है 24 सेंटीमीटर और गुणा चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो एक टाइल का क्षेत्रफल बना और इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी, 24 से 24 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। इस प्रकार टाइलों की संख्या 100 गुणा 10 करोगे तो 1000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 में बेची गई है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए अंकित मूल्य MRP एक ही चीज है। दुनिया की हर वस्तु का MRP अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन ने बोला कि 12% का डिस्काउंट दे दिया जाए, यदि छूट दिया जाए तो 12% डिस्काउंट हटाने के बाद जो विक्रय मूल्य बचेगा यानी सेलिंग प्राइस, वो कितना परसेंट रह जाएगा, 88%। क्वेश्चन में बोला हमें कि विक्रय मूल्य 880 है, मतलब इसका ये हुआ कि 880 रुपया जो है 88% का मान है, तो यहाँ से आप क्या करो, 1% का मान लाओ, तो आपको 880 में 88 का भाग लगाना पड़ेगा तो 1% का मान आ जाएगा। अब क्या करो, आपको चाहिए इसका MRP, यानी MRP इसका 100% था, तो जो 1% का मान आया 880/88, इसमें 100 का गुणा करो, 100% का वैल्यू आ जाएगा। 2 0, ये 88 से 88 वन टाइम कटेगा, 1 0 2 0 3 0 पुनः लग जाएगा, तो इस प्रकार 1000 रुपया इसका क्या बन जाएगा, MRP बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रखिएगा, एक बार फिर से बता दूं, इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग पुनः, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।